बॉलीवुड में मीटू का श्रेय तनु श्रीदत्ता को जाता है। धनबाद में स्टार लाइन एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिस झारखंड के फिनाले को शिरकत करने आई बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव ने यह बातें कही। अमृता ने कहा कि बॉलीवुड में मीटू को लेकर जो की बातें आज हो रही है उनका श्रेय तनु श्रीदत्ता को जाता है। उन्होंने इस मुद्दे पर कहने का साहस जुटाया है। बॉलीवुड में स्मॉल टाउन से आने वाले कलाकार गुमराह हो जाते हैं। मीटू आने के बाद उन्हें अपना अनुभव शेयर करने का मौका मिल रहा है। यह केवल फिल्म इंडस्ट्री की बातें नहीं बल्कि दूसरे इंडस्ट्री में भी ऐसी बातें होती है। तनुश्री दत्ता के खुलकर सामने आने के बाद लड़कियों का डर खत्म हो रहा है। अमृता राव ने कहा कि आगे चलकर मीटू और बड़े फिल्म हस्तियों के नाम सुनने को मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। धनबाद में उनका यह पहला आगमन है। यह आकर अच्छा लगा। मिस्टर एंड मिस झारखंड जैसे शो के नए चेहरों को एक्सपोज मिलता है। मैं भी जब स्कूल में थी तो ऐसे शो में भाग लिया था और आगे बढ़ी। अमृता ने कहा कि अगले साल जनवरी में उनकी ठाकरे फिल्म आ रही है जो बाला साहेब ठाकरे के जीवन पर आधारित फिल्म है। मी टू के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि आई थिंक वाज ओवरड्यू और बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। आई थिंक पूरा श्रेय जाता है तनुश्री दत्ता को, बिकॉज आई थिंक एक लड़की ने जब इतनी हिम्मत दिखाई तो कई न्यू कमर जो एस्पायरिंग थे, जो स्मॉल टाउन्स से आ रहे थे यू नो बॉलीवुड में, जिन्हें शायद गुमराह किया जा रहा था, उन्हें अपने यू नो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मौका मिला। इससे बहुत अवेयरनेस बढ़ा है, इससे बहुत सारी बातें आगे आई हैं, सामने आई हैं, एंड आई थिंक नाउ मेन आर रियली पुलिंग अप देयर सॉक्स, सो यू नो एवरीबडी स्केयर्ड एंड दे आर अवेयर। इट्स अ ग्रेट टाइम लाइक नॉट ओनली द बॉलीवुड इंडस्ट्री बट हर इंडस्ट्री में मी टू वजह से बहुत इनफैक्ट स्कूल में भी लड़कियों के साथ इतना शोषण होता है, यू नो एंड कांट से एनीथिंग बिकॉज दे आर स्केयर्ड। तो ये जो एक डर था यू नो कि हम किसी भी लड़की के लिए इंडिया में खड़े होकर बोला कि मेरे साथ शोषण हुआ है या मेरे साथ ये हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। इतने सारी चीजों का, इतने सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली बार आई हूँ मैं झारखंड में और पहली बार आई हूँ धनबाद में। बहुत अच्छा लगा, एक नया एक्सपीरियंस था। मिस्टर एंड मिस झारखंड को जज करने आई हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे इतना नया टैलेंट है, इतने यंग कंटेस्टेंट्स हैं, यू नो समा 16 इयर्स ओल्ड, कोई 18, 20, 25, मतलब इट वाज अमेजिंग टू सी मच ऑफ टैलेंट इन हार्ट ऑफ धनबाद। और मुझे बहुत खुशी है कि धनबाद में स्टाइल लाइन एंटरटेनमेंट ने ये मौका दिया है, एक मंच दिया है युवा पीढ़ी को, यू नो एक कॉन्फिडेंस को डेवलप करना। सो मुझे भी ऐसे यू नो जितने भी ऐसे मौके मिले थे जब मैं स्कूल में थी या यू नो पढ़ाई कर रही थी, उन मौकों ने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिया जिंदगी के बड़े मंच पर खड़े होके यू नो अभिनय करने का। तो आई रियली वैल्यू सच प्लेटफॉर्म्स एंड इट्स बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ। वेल मेरी फिल्म ठाकरे आ रही है 25 जनवरी को, जो बाल ठाकरे जी का जन्मदिन है और ये बायोपिक है बाल ठाकरे जी पर। And I've had the great fortune of playing his wife, Meena Tai Thakre ji. Bahut hi pyara kirdar hai. And I feel very honored. Now I would request you to share few. Well,
मैम को बहुत बहुत शुक्रिया कि मैम ने जैसे कहा कि शी ट्रेवल्ड फ्रॉम सो फार एंड शी केम हियर टू बी अ पार्ट ऑफ मिस्टर एंड मिस झारखंड 2018 ग्रैंड फिनाले. दिस इज अ बिग डील. कैन वी हैव अ बिग हैंड. वाओ, दिस इज कविता. किसका है ये तुमको इंतजार? इधर जाओ, आ जाओ, फिर मैं बताऊंगी. ओके, वेल मैम, बताइए, डू यू नो दिस, लाइक सिंस मॉर्निंग व्हेन आई वाज जस्ट बाय माय वर यू आर मंच फॉर सेल्फलेस सर्विस 2017. वेल इट्स अ लव. किन्हीं की नजरें नहीं हट रही हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर एवरीवन. धनबाद ट्रैक प्लीज.